नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लाल किताब में पहले घर की क्या इम्पोर्टेंस है और पहले घर से जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम पूरा ब्रीफली इलेबरेट करेंगे कि लाल किताब में फर्स्ट हाउस को क्या दर्जा दिया गया है और लाल किताब में फर्स्ट हाउस को किन किन चीज़ों के लिए, किन किन बातों के लिए देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो दोस्तों कि फर्स्ट हाउस जो है ये सूरज का घर है। सूरज का घर यानी कि सूरज के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है, सूरज का घर इसे कहा गया है। यह घर जो है धन के लिए है, खुद जाति जो इंसान पैदा करता है, जो धन इंसान ने पैदा किया, खुद ही जाति तौर पे जो इंसान ने पैदा किया है उसके लिए है। सवारियों के लिए है, जैसे कि मोटर गाड़ियाँ होती हैं, पूरब दिशा के लिए होता है, ठीक है। और अगर किसी इंसान की हेल्थ की इश्यूज़ हैं तो ये ताकत जो इंसान की एक शारीरिक ताकत है उसको भी दर्शाता है, यानी कि जो इंसान एक क्या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। बाहर का तो ये दर्शाएगा ही कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, जो भी कुछ है, पर एक अंदर से इंसान कैसा मजबूत है, कितना मजबूत है, वो लगन से ही पता लगता है, यानी कि खाना नंबर एक से। इंसान को कितनी भूख लगती है वो फर्स्ट हाउस से पता लगेगा। इंसान के जो शरीर के अंदर जो स्वभाव है उसका पता लगेगा। रूप रंग की जैसे हमने बात की कि रूप रंग क्या है वो लगन से ही डिसाइड होगा। कोई अंग जो है, जिस्म के जो अंग हैं वो पता लगेंगे। अब इंसान ने अगर कोई खुद से मकान बनाया है तो वो भी फर्स्ट हाउस से ही पता लगेगा, पहले घर से ही पता लगेगा। देखिए दोस्तों, जो लाल किताब है उसमें सीधे के सीधे जो है इंग्लिश के कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये उर्दू में लिखी गई थी। तो हम यहाँ पे हम हिंदी को ही लेके चलेंगे, यानी कि जैसे कि पहले घर को यहाँ पे खाना नंबर, खाना यानी कि हाउस, खाना यहाँ पे बोला गया है लाल किताब में, तो खाना नंबर एक की ही बात चल रही है। जो चार दीवारी वाली ज़मीनें होती हैं वो खाना नंबर एक से देखी जाती हैं, ठीक है। और नाम, इज्जत, हैसियत इंसान की क्या होगी वो हम पहले नंबर थे खाना नंबर एक से ही देखेंगे। दुनियावी ताल्लुकदार जो लोग हैं वो पहले घर से देखे जाएंगे। राज दरबार में क्या उसकी स्थिति है, यानी कि बाहर जो है हायर अथॉरिटीज से, इन लोगों से उनका क्या है, उसका खुद का रुतबा क्या है, जो इंसान कमाई करता है, जो इंसान का पेशा है और जो उसकी जवानी है, मौजूदा वक्त, जो उसका मान सम्मान है, उसकी आत्मा है और उसका गुस्सा, ये सब खाना नंबर एक से देखे जाते हैं। अब अंदरूनी गुणों में भी पहले घर को अहमियत दी गई है। पुरानी रस्मों और रिवाजों की दीदगी जो होती है और उपकार जो होते हैं वो भी पहले घर से देखे जाते हैं। जानवरों में मवेशी जो झिल्ली या जेर से पैदा होते हैं, जैसे कि झिल्ली या जेर से पैदा उत्पन्न होने वाले जानवर, जैसे कि आपके मवेशी लोग हो गए या सीधे सींगों वाले मवेशी हो गए, ये लोग पहले घर से देखे जाते हैं। लाल किताब में ये जो खाना है, पहला खाना, ये लंबी उम्र का भी है, शिक्षा का भी है और अकल का भी है। मंगल इस घर का मालिक है। देखिए मंगल इस घर का मालिक है पर ये सूरज का घर है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि दोनों ग्रहों का असर हम लेंगे, यानी कि अगर मंगल की स्थिति देखनी है तब भी हम पहले घर को देखेंगे और अगर हमने सूर्य को देखना है तब भी हमने पहले घर को जरूर देखना है। यानी कि सूर्य और मंगल, इन दोनों का असर पहले घर पे लाजमी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब यह घर शिक्षा और अकल का भी है। इस घर में मंगल जो है मालिक है, ठीक है, पर कारक सूरज है। सूरज यहाँ मनुष्य की जो है आत्मा है, ठीक है, वही जिस्म की ताकत है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वही हर एक चीज़ को एक जो है ताकत प्रदान करती है। यानी कि सूर्य की किरणों से ही देखिए वनस्पतियाँ उगती हैं, पौधे अंकुरित होते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, यानी कि वहीं से एक लाइफ का जो है सोर्स माना गया है सूर्य की किरणों से। पहले घर में जो, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ से प्रकृति और जो प्रकृति का झगड़ा यानी कि रूह और माया का झगड़ा, वो यहाँ से देखा जाता है कि इंसान की रूह जो है किस लिए जद्दोजहद करेगी इस दुनिया में आकर, ये देखा जाता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो है पहला यानी कि लगन जो है कितना शक्तिशाली है। अगर ये कमज़ोर है तो असफलताएं मिलेंगी, उपलब्धियों में कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी। यही जो है लगन की एक बड़ी महत्वता है। तो यहाँ से जातक के किए गए उपकार का, जो जो इंसान उपकार करता है उनका 25% तक पता लगता है।
ठीक है। बाकी जो है उपकारों का और जो उसकी भाग्य का, वो हमने पांचवें और नौवें घर को जरूर लेना है, पर यहाँ से हम 25% उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ से इसके अलावा जाति हैसियत, उसकी खुद की हैसियत क्या है, उसका अपना बनाया घर, उसकी अपनी कमाई, आत्मा वगैरह देखे जाते हैं। ठीक है, पहला घर राज दरबार से ताल्लुक भी रखता है। खाकी रंग, खाकी रंग का भी इससे ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो है, सूर्य का यहाँ पे प्रभाव है, इसलिए खाकी रंग का भी यहाँ पे जो है हमने यहाँ से कंसिडर किया जाता है। पुराने रिवाज, सफर में काम आने वाली चीजें जो भी हैं उनके बारे में ये बताता है। पहला घर राजा का तख्त है और सातवां उसका आधार है। ठीक है, यह सूरज का पक्का घर है और यहाँ सूरज ग्रह फल का है। अब देखिए ग्रह फल का है तो यानी कि जो ग्रह जो होते हैं किसी उच्च नीच राशि में होते हैं तो वो ग्रह फल के कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है ग्रह फल का जो ग्रह होगा, यानी कि देखिए जब कोई ग्रह अपनी उच्च या नीच राशि या अपने पक्के घर में होगा तो वो जो ग्रह होगा वो ग्रह फल का कहलाएगा, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता। तो यही एक ग्रह फल का, यहाँ पे ग्रह फल और राशि फल का जो है कंसेप्ट है। अब इसके अलावा अगर पहला घर जो है जो तख्त है राजा का, तो सातवां घर अगर खाली हो तो सातवां घर सोया ही हम मानेंगे, पर वो जागेगा कैसे? जागेगा तब जब सातवां घर यानी कि शादी होगी तो शादी के बाद जाग जाएगा, तो पहले और सातवें घर का जो आपस में कनेक्शन बन जाएगा, इस तरीके से सातवां घर जागता है। ठीक है, अब पहले घर को ही सातवां घर स्थिरता देता है। आप देख लीजिए कि मैरिज से पहले क्या लाइफ होती है और मैरिज के बाद क्या लाइफ होती है, जो एक स्थिरता, जो एक स्टेबिलिटी जो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ों पर यानी कि सोच पे लेके आपके काम काज को लेके स्थिरता आती है। अगर आप काम काजी को नहीं स्थिर रखते हैं शादी से पहले तो शादी के बाद आप पे जिम्मेवारियाँ पड़ जाती हैं, तो आप इनकम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और स्थिर होने की कोशिश करते हैं। यहाँ सूरज और शनिचर जो होते हैं एक और सेवन में कभी नहीं लड़ते। ठीक है, यहाँ उच्च और नीच गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो पहली राशि होती है एरिस, यहाँ पे सूर्य उच्च का माना गया है, और साथ में जो है तुला राशि शनि के लिए, वहाँ पे शनि उच्च के माने गए। तो पहला और सातवां यानी कि जब दोनों ही आपस में उच्च हो गए और पहला और सातवां दोनों आपस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सूर्य और शनि भी आपस में एक साथ आने पर कभी भी लड़ाई नहीं करते। ठीक है, तो इन तरीकों से कभी भी नुकसान नहीं होता। अब हमने पहला घर के बारे में समझ लिया, पर पहले घर का कनेक्शन जो है आठवें घर से भी है। क्यों? क्यों? आठवां घर इसकी आंखें हैं। ठीक है, अगर हमने पूरे तन को बात किया तो पहले घर से हमने देखा कि तन है, आठवां इसकी आंखें हैं और ग्यारह इसकी टांगे हैं। यानी कि इंसान की हमने आंखें आठवें और ग्यारहवें और पहले, यानी कि ये पहला आठवां और ग्यारहवें का बहुत कनेक्शन है। अगर पहले घर में एक ग्रह हो और सातवें में ज़्यादा हो तो राजा के कई वजीर होंगे। ठीक है, सब कुछ उम्दा होगा, पर इसके विपरीत सातवें घर में यह नाश होगा। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि अगर बृहस्पति चंद्र राहु बुध पहले घर में हैं और केतु सातवें में है तो नर औलाद के लिए ये मुश्किलें पैदा करता है। नर औलाद यानी कि बेटा जो है उसके लिए मुश्किलें पैदा करता है, और उसके ऊपर मुश्किलें आएंगी यानी कि हो सकता है शारीरिक परेशानी हो या नर औलाद होके एक्सपायर हो जाती हो, इस तरह के जो इंसिडेंसेस उसकी लाइफ में आएंगे। उसके लिए सिंपली क्या करना है, अगर इस तरह के आपके कुंडली में इस तरह के जो हैं कॉम्बिनेशन हैं, इस तरह से सातवें घर में आपके केतु हो गए और बृहस्पति चंद्र बुध पहले घर में हो गए, तो उसके लिए कुत्ते घोड़े गाय और तोते को रोटी देते हैं ताकि नर औलाद कायम हो सके। ठीक है, अब सातवां घर खाली हो तो पहले घर में बैठा ग्रह अपना असर सातवें में ला देगा। ठीक है, सातवां घर अगर खाली है तो पहले घर का असर जो पहले घर में बैठा हुआ ग्रह है वो सातवें घर में मिला देगा। अगर सातवां घर खाली हो तो पहला घर सोया माना जाएगा, जैसे कि हमने अभी समझा कि सातवां घर कैसे जागेगा, वो शादी के बाद जागेगा। ठीक है, तो लगन भी अगर खाली हो, अब समझिए लगन भी अगर खाली हो तो लगन भी बेअसर और कमजोर माना जाएगा।
तो इसीलिए लग्न में भी अच्छे ग्रहों का और अच्छे प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है। अगर पहले घर में दो या दो से ज़्यादा ग्रह हैं तो फैसला शुक्र के हाथ में होगा, यानी कि तब फैसला जो है शुक्र करेगा कि शुक्र कैसा है कुंडली में। अगर शुक्र अच्छा है तो लग्न भी अच्छा कहलाया जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, अगर लग्न में दो या दो से ज़्यादा ग्रह हों और शुक्र को महत्वता दिया जाता है, शुक्र जो कि दूसरे घर का स्वामी है और दूसरा घर धर्म स्थान या इबादत करने की जगह है, इसलिए कुदरती है कि हमारे अथवा या बुरे कर्मों पर ही आत्मा की प्रगति निर्भर है। अगर हमें पहले घर में किसी प्लेनेट का असर लेना है, मान लीजिए जहाँ पर सूर्य, बृहस्पति, मंगल ये ग्रह अच्छे असर देते हैं, अगर हम इनसे संबंधित चीज़ें अगर हम गले में डालेंगे तो वो पहले घर में स्थापित होंगी। ठीक है, पहले घर में जब वो स्थापित होंगी तो हमें उन चीज़ों से संबंधित पहले घर का असर मिलेगा। जैसे कि अगर हम सोने की चेन गले में डालते हैं तो हमने बृहस्पति कारक वस्तु को हमने पहले घर में पहुंचा दिया, जिस वजह से पहले घर का असर मिलेगा। तो दोस्तों, आने वाली पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।